बिहार में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन भले ही सख्ती का दावा करे, लेकिन बेखौफ अपराधी अपने मंसूबे को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में लूट की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें, हाजीपुर के बिदपुर के कंचनपुर एक्सिस बैंक में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैंक से हथियारबंद अपराधी तकरीबन 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बैंक कर्मियों के मुताबिक दोपहर में लगभग 7-8 की संख्या में कुछ लोग बैंक में घुसे और हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दिया। इसके आगे उन्होंने बताया कि बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसी चीज का फायदा उठाते हुए कैश काउंटर में रखे हुए रुपयों को लूट लिया गया। 7-8 आदमी के आसपास थे, वो गेट पे अचानक हेलमेट डाले हुए थे, आकाश सर बोले कि हेलमेट हटा दीजिए। अच्छा, तो उसके बाद वो सब अपना तब तक बंदूक तुम निकाल के कैश पे थे, कैश पे आके ये कर दिए। वहीं इस मामले में पुलिस विभाग ने जानकारी दी कि बैंक लुटेरे 3 बाइक से आए, जिनमें से कुछ बैंक के बाहर थे तो कुछ लोग बैंक के अंदर थे। हालांकि अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से किसी की भी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस फरार लुटेरों की तफ्तीश में जुट गई है। सूचना मिली है कि एक्सिस बैंक है कंचनपुर में, बिदुपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर 3 बाइक से अपराधी कर्मी आए थे और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 3 अपराधी तो बैंक के अंदर में गए थे, 3 बाइक बाहर में लगा हुआ था।